इंस्टाग्राम पर हमें सवाल मिल रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी का सवाल आया है टाटा पावर पर। 270 शेयर लिए हैं, करीब 251 पर इन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है, और यहाँ पर भी इनको नुकसान थोड़ा झेलना पड़ रहा है इस स्टॉक में। करीब करीब 13,000 रुपये का नुकसान इनको इस स्टॉक में इस वक्त हो रहा है। आज हालांकि स्टॉक ऊपर है करीब 3%, बट पावर शेयरों में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में थोड़ी कमजोरी काफ़ी देखने को मिली है। टाटा पावर में भी काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले एक महीने में अगर देखेंगे तो करीब करीब 10% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। मंदार, क्या व्यू बन रहा है आपका टाटा पावर पर? चार्ट्स पर क्या और कमजोरी दिख रही है आपको, और नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है, तो राय दीजिए क्या करें स्टॉक में? पूजा जी, देखिए टाटा पावर के बाद टाटा पावर हमने बहुत बार डिस्कस किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है इस चार्ट पे। पिछले 1.5 साल से अगर देखते हैं तो ये 190-200 रुपए का इसमें सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ 250 के आसपास से, 250 के ऊपर की लेवल से इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिलहाल तो सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। होल्ड तो करनी ही है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 185 का रहेगा और फिलहाल सपोर्ट पे आज हम देख सकते हैं कि स्टॉक फिलहाल बाउंस बैक कर रहा है। तो सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करता है तो इस स्टॉक में फिर से एक बार हमें 220-230 के लेवल्स जो बाउंस बैक है वो वहां तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। तो इसलिए मेरी तो राय रहेगी कि फिलहाल तो ऐड कीजिए, सपोर्ट पे स्टॉक है, फिलहाल 203 का प्राइस है, 185 के स्टॉप लॉस से आपने बाय करना है, ऊपर में 220-230 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इस तरीके का स्विंग ट्रेड इस स्टॉक में कर सकते हैं, ये लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट का व्यू है, मुझे लगता है कि और एक 1.5 साल 2 साल ये स्टॉक यही लेवल्स पे ट्रेड करेगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, 3 से 5 साल का व्यू है, तो इसमें जरूर पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड इसमें करना मुनासिब रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आपको सलाह दे रहे हैं मंदार। टाटा पावर को लेके 203 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है।